सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है लो यार्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लो यार्ड स्टील के अंदर आप लोग देखोगे क्वार्टर वन रिजल्ट्स आज इसके आने हैं और स्टॉक आपको जो है लगभग 7% के करीब हैवी करेक्शन पर दिखाई दे रहा है। तो अचानक स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है इसको लेकर मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। हमारे पीछे की वीडियो में आपको अवेयर किया था, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ अवेयर करना है। आगे आपकी जो ना डिसीजन होगा खुद का कि स्टॉक के अंदर बने रहना है, बेचना है यहाँ से, या फिर जो ना और एंट्री लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तकरीबन 7% के करीब शेयर टूट चुका है और 10% की सर्किट लिमिट है, तो 10% के LC में भी लॉक हो सकता है। अगर स्टॉक में तेजी बन सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर वन के कारण ही बन सकती है। अदरवाइज आप लोग देखोगे क्वार्टर वन रिजल्ट अगर खराब आए तो स्टॉक में बिग फॉल भी बन सकता है। इसी वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखो भाई गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि एक तो आप लोग देखोगे ओवर वैल्यूड है शेयर, ठीक है। पी रेशो आप लोग देखोगे बहुत ज़्यादा हाई पहुंचा हुआ है। RSI MFI के जो संकेत है वो भी नेगेटिव है बिल्कुल। तो इन सबको देखते हुए स्टॉक में करेक्शन होना तो लाजमी थी। मैंने आपको क्या, देखो भाई 60 रुपये के आसपास जा सकता है, बट वहाँ तक जाने के लिए आपको जो ना अभी इसके अंदर विदाउट SL नहीं चलना है। अगर स्टॉक वहाँ पर जाए या फिर ना जाए, हमें यहाँ पर हमारा जो SL है स्टॉप लॉस है वो पुट करके चलना है। अगर जिसने भी मेरी बात मानकर यहाँ पर SL पुट किया था तो उनको यहाँ पर जो अभी लॉस कम से कम हुआ होगा। आज सुबह तो स्टॉक में 5-6% के करीब तेजी बन चुकी थी। हाँ भाई देखो रिटर्न अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। और कुछ एक कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने उनको बोला भाई कोई तो कारण बताओ मेरे को तेजी का, जो तेजी बनी है स्टॉक में उसका कोई कारण बता दो मेरे को। तो उन्होंने क्या बोला कि कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है। हाँ ठीक है, 100 करोड़ का राइट इशू लेकर आएगी, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। साथ में कंपनी ने एक न्यू बिजनेस में एंट्री ली इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके ऊपर भी जब ये शेयर लगभग आपने देखा होगा 22-23 के भाव पर था तब वो अपडेट आई थी, ठीक है। वहाँ से उसके ऊपर भी मैंने वो आपको बताया था। साथ में एक चीज़ और कि कंपनी का नेम चेंज हो गया है। क्या कंपनी का नेम चेंज होने से इसके जो फाइनेंशियल है या फिर जो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो जाता है क्या नेम चेंज करने से, क्या हो जाता है, हो क्या जाता है नाम चेंज करने से, ये मेरे को समझ में नहीं, ये नहीं आया कि वो उसको जो तेजी का कारण बता रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें थी, लेकिन स्टॉक इन सब अपडेट्स के आने की वजह से इसका जो एक्चुअली में प्राइस होना था वो 35-40 के आसपास होना था, ठीक है। शेयर जब चला 25-26 के भाव से तो 35-40 के आसपास इसका भाव होना था, लेकिन ये पहुंचा हुआ 60 के आसपास, तो ओवर वैल्यूड तो है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। रिजल्ट्स आने वाले तो चलिए भाई रिजल्ट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, साथ में ये भी आपको बताएंगे कि उससे पहले यहाँ पर क्या हमारी जो है सिचुएशन बननी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टॉक के अंदर हैवी सेलिंग चलते जो शेयर है वो हमें हमारा जो नीचे में सपोर्ट था 52 रुपये 35 पैसे के आसपास का आई थिंक इसका सपोर्ट बना हुआ था ना, ये स्टॉक नीचे में काटा, फिर से स्टॉक जो है इसके ऊपर में आ गया है, यानी फिर से बाहर आ गए हैं, यानी पूरा का पूरा गेम चल रहा है भाई। इस गेम के अंदर मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर आपको अपना जो पैसा वो क्वार्टर वन रिजल्ट आने से पहले बनाना चाहिए। आई थिंक यहाँ से आपको जो अभी एग्जिट लेना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट से पहले जो ना भी कोई भी डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर रिजल्ट्स 1% भी नेगेटिव आ जाते हैं तो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर आएगा। जी हाँ डेफिनेटली आप लोग देखो, इसलिए भी देखो यहाँ पर अगर संभल के चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर पीछे के रिजल्ट ग्रोथ के हिसाब से देखिए रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी के देखो भाई पहले तो नहीं बोल सकते ना, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक नहीं बोल सकते। रिजल्ट कब तक आएंगे तो चलिए वो देख लेते, और यहाँ से स्टॉक में जो है बिग फॉल बन सकते हैं। ये जो शेयर है वो 10% के लोअर सर्किट में भी लॉक हो सकता है, और गिरावट के पीछे एक्चुअली रीजन क्या रहा है, प्रॉफिट बुकिंग ही सबसे बड़ा रीजन है। बड़े प्लेयर यहां से निकल रहे हैं, हैवी सेलिंग आई है इसी की वजह से। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे लो यार्ड स्टील्स की अगर मैं बात करूँ रिजल्ट्स को लेकर, तो आज ये रिजल्ट्स आने हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे रिजल्ट्स किस टाइम तक आएगा, यहाँ पर अभी प्राइस अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे रिजल्ट आने वाला है इसका 3:30 से 4:30। अगर मार्केट के बाद आ गया ना भाई तब थोड़ा सा देखो चिंता का काम हो सकता है, ठीक है। हालांकि रिजल्ट आते ही आपको अपडेट मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि रिजल्ट आते ही आपको उसके वीडियो मिल मैं डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यहाँ पर आप लोग देखोगे रिजल्ट से पहले प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है। सभी को लगता है कि पता नहीं रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अगर रिजल्ट अच्छे आते तो उसके बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट खराब आ गए तो एकदम स्टॉक LC में लोग हो गए तो वहाँ पर मुसीबत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस वगैरह लेकर चलना चाहो तो आपकी मर्जी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।